आपके चैनल का जो 1K सब्सक्राइबर्स है एंड जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो अगर आपने पूरा कर लिया है देन आपका जो मोनेटाइजेशन है उसे भी अप्लाई कर दिया है स्टेप 1 स्टेप 2। और लेकिन बाद में क्या होता है, एक दिन 24 घंटे के बाद स्टेप 2 जो है वो एरर हो जाता है आपका मोनेटाइजेशन का जो मतलब टैब है उसमें। तो क्या कुछ करना आज के इस वीडियो में मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा और मात्र 2 घंटे में इसको फिक्स्ड कर सकते हो। आज के इस वीडियो को अगर पूरा आपने देख लिया और ये अगर ट्रिक आपने आजमा लिया अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन टैब पर, तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम सरीश प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर दिया, स्टेप 1 जो है वो डन हो गया एंड स्टेप 2 जो है मोनेटाइजेशन का गूगल एडसेंस का वो एरर बता रहा है बार-बार, जितना भी बार अप्लाई कर रहे हो बार-बार एरर बता रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जितना भी आपका डाउट्स हो सब क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी टैक्स से रिलेटेड और वाइज को भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर ऐसे ही मतलब ट्रिक दूंगा जिससे आप अपने वीडियो का मतलब जो मोनेटाइजेशन का जो टैब है उसको फिक्स्ड कर सकते हो स्टेप 2 गूगल एडसेंस का। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहली बात क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये जो ट्रिक है उसको फॉलो करते जानी है। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसे अगर आपने गेन कर लिया देन आपने क्या किया, आपने जो मोनेटाइजेशन का है उसे मतलब अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन, ठीक है, मोनेटाइजेशन अप्लाई कर दिया देन आपका जो स्टेप 1 है वो तो डन हो गया अप्रूव हो गया। स्टेप 2 जो है गूगल एडसेंस का वो क्या हुआ, किसी वजह से अटक गया, एरर बता गया, ठीक है, एरर बता गया। तो यहाँ पर साइड में देख सकते हो फ्रेंड्स मतलब मैं आपके मेरे वीडियो के साइड में यहाँ पर एक मतलब फोटो नजर आएगा आपको, एक मेल नजर आएगा इस टाइप का आपको मतलब दिया होगा या फिर एरर। जब आपका स्टेप 2 मोनेटाइजेशन का जब अप्लाई करते हो स्टेप 2 गूगल एडसेंस का तो आपको इस टाइप का मेल आता होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का मेल यहाँ पर देख सकते हो, एक मतलब मेरा जीमेल लिखा हुआ मेल लिखा हुआ यहाँ पर साइड में जो मतलब मेल दिया गया है और यहाँ पर बीच में एक मेल ब्लड कैरेक्टर का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस मेल को आप क्या करो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस मेल का मतलब जो जीमेल है जीमेल अकाउंट ये यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ है आधा ही लिखा हुआ है। तो इस जीमेल अकाउंट को आपको याद करना कि मैंने इस जीमेल अकाउंट को कहाँ लॉगिन किया था, किस मोबाइल से लॉगिन किया था, इसका पासवर्ड क्या, आपको याद करना है तभी आपका जो गूगल अकाउंट है वो मतलब अप्रूव होगा गूगल एडसेंस का स्टेप 2। तो फ्रेंड्स इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, इसका पासवर्ड क्या था उसको भी याद कर लेना है, रिमेम्बर कर लेना है। देन आपको क्या करना है, आपको स्टेप 2 जब एरर हो जाए एंड फिक्स एंड एडसेंस पे क्लिक करना फिर से एंड जो भी आई हैव ये अकाउंट पे क्लिक कर लिया, क्योंकि पहले तो आपका अकाउंट नहीं था, अब बन गया है, पहले से अकाउंट था लेकिन इस जीमेल अकाउंट से था यहाँ पर साइड में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसी जीमेल अकाउंट से फिर से लॉग इन करनी है एंड जो भी मतलब कैरेक्टर्स में एड्रेस वगैरह था वो सब कुछ फिलअप हुआ आएगा एंड आपको क्या करना है डन कर देनी है। देन आपका जो स्टेप 2 है वो फिक्स्ड हो जाएगा 2 घंटे के अंदर में एंड आपका जो मतलब स्टेप 3 है वो ऑटोमेटिकली आपका जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा एंड आपका जो मोनेटाइजेशन है वो मतलब 10-12 घंटे के अंदर में अप्रूवल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो सोच रहे हो मेरा स्टेप 2 मतलब बार बार एरर बता रहा है तो आपको ये ट्रिक आजमानी है एंड आपको रिमेंबर करना कि मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो मैंने कहाँ पर दिया था और मेरा पासवर्ड क्या है। तो फ्रेंड्स अगर ये छोटी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज को भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।